देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अमित दीक्षित सर्च करें और वहां पर फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं बेस्ट एजुकेशन के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। इस समय आप देख रहे हैं ये कोर्स 507 की वीडियो लेक्चर सीरीज़, जो कि आपको कोर्स 507 को तैयार करने में मदद करेगी। यहाँ पर सभी लेक्चर्स आपको कोर्स 507 के हर टॉपिक के दिए जा रहे हैं। तो पहले के लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। 506 और 507 के लेक्चर्स उपलब्ध हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो सीरीज़ है यूनिट वाइज 506 और 507 की, वो अन अकेडमी पर चल रही है तो उसकी लिंक भी नीचे दी गई है, ज़रूर देखिए। बेस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। तो आइए चलते हैं और आज के टॉपिक को कवर करते हैं इस लेक्चर में। तो 507 का इकाई दो का टॉपिक हम आज ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ब्लॉक वन का ये टॉपिक है। तो 2.4.2 और 2.4.2 इस टॉपिक का नंबर है और नाम है इसका अधिगमकर्ताओं के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का प्रभाव। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इस पूरी यूनिट में अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से समुदाय अलग अलग तरह का प्रभाव डालता है। शिक्षा पर समुदाय का कैसा प्रभाव रहा है, समुदाय का शिक्षा पर कैसा प्रभाव रहा है, और आगे भी इसमें यही जान रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सीखने वाले हैं यानी कि विद्यार्थी हैं या अधिगमकर्ता हैं, उनके सांस्कृतिक विकास पर समुदाय जो होता है वो किस तरह से प्रभाव डालता है। तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे, यहाँ पर यही बताया गया है कि हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं कि यहाँ पर पहले भी हमने जाना कि समुदाय का किस तरह से कनेक्शन होता है विद्यालय से, शिक्षा से, और किस तरह से वो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बताया गया है। तो बच्चों के अधिकारों के सम्मेलन के अनुच्छेद 29 के अनुसार ये बताया गया है कि बच्चे की शिक्षा बच्चों के जो माता पिता रहते हैं, उनके अभिभावक रहते हैं, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान, उनकी भाषा या जिन संस्कारों को वो मानते हैं, जिन मूल्यों को वो मानते हैं, उनसे निर्देशित होनी चाहिए। तो ये एक अनुच्छेद में भी लिखा गया है, हम कह सकते हैं एक नियम में, एक संविधान में। तो उसमें इस बात को महत्वता दी गई है कि संस्कृति जो है बच्चों की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा संस्कृति का एक भाग है, यानी कि हम जो हमारी लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। संस्कृति के लिए केस में हम बात करें, वो हमारी पहचान होती है एक तरह से, और संपूर्ण सांस्कृतिक सिनेरियो का एक अंग होता है, पूरे स्ट्रक्चर का। और इसे संस्कृति से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी भाषा ही हमें, आपने देखा होगा अलग अलग भाषाओं से हम लोगों को पहचान लेते हैं, उनकी कल्चर को समझते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है संस्कृति का अर्थ। तो संस्कृति के अर्थ के बारे में हम बात करें तो संस्कृति, देखिए, हर वो चीज़ है जो आप जिस समाज का हिस्सा हैं, जिस समूह का हिस्सा हैं, वहाँ पर कुछ निश्चित आपका रहन सहन होगा, आपके कुछ मूल्य होंगे, कुछ परंपराएं होंगी, और आपके दोस्त पड़ोसी या आपके मित्र, जिस तरह से आप जो लोक कलाएं या फिर लोक संगीत या फिर आपकी जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक बात बताई गई है कि लोक कलाएं जो रहती हैं वो निष्पादन के माध्यम से, उदाहरण के द्वारा, कई बार परिवार में, पड़ोसियों में और अनौपचारिक तरीके से ये सीखी जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, संस्कृति की शुरू में हम रहकर काफ़ी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे मित्र दोस्त परिवारों के साथ, परिवार के साथ, और अनौपचारिक तरीके से हम ये सीखते हैं। तो हर बच्चे का, हर व्यक्ति का यही पूरा स्वरूप होता है संस्कृति को लेकर, जो उसको दिखाया गया है। संस्कृति जो होती है वो हम जानते हैं कि मानवीय अभिव्यक्ति का एक साधन है, यानी कि इसके ज़रिए ही हम अपनी जो संगीत है, अपनी कला है, अपने त्यौहार हैं, अपनी मान्यताएँ हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो हर संस्कृति कुछ खास चीज़ों को दिखाती है। मैं आपको साधारण शब्दों में इसको व्यक्त कर रहा हूँ, जहाँ जो भी भाषा लिखी गई है उसी को मैं साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो जो संस्कृति की बात जो की जाती है, तो यहाँ पर आपका भाषा, व्यवसाय, आपका धर्म, आप जिस जगह पर रहते हैं वो, आपका भौगोलिक क्षेत्र, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है, और इन सभी के माध्यम से ही हम ये निर्णय कर पाते हैं कि ये इस संस्कृति के व्यक्ति हैं या इस संस्कृति को मानते हैं, इस समूह से हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो यही चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में यहाँ पर बताई गई है। आगे इसमें बताया गया है कि जो विज्ञान है, टेलीविज़न है, और आजकल जो शहरीकरण हो गया है, जो साक्षरता जिस हिसाब से बढ़ रही है, उससे ये हो गया है कि जीवन के बारे में और संस्कृतियों के बारे में स्वरूप काफ़ी बदल गया है। और आजकल जब महत्वपूर्ण बातचीत की बात करें, एक दूसरे के लिए विचारों को आदान प्रदान करना हो,
तो कई तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे पहली प्रायोरिटी है आजकल, सबसे पहला सीखने का साधन हमारा जो संगठन, हमारा समुदाय होता है, जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं वहीं से हम सबसे पहले चीज़ें प्राप्त करते हैं। बाद में ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आता है, कितना भी प्रभाव हो, लेकिन यहाँ पर हमारे जो नज़दीकी व्यक्तिगत संगठन हैं, समुदाय हैं, वो हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो 1986 में बनी और कार्य योजना 1992 में, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने। इसको माना कि अगर शिक्षा में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का हम ध्यान रखेंगे तो ये बहुत फायदा दे सकता है। शिक्षा के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य ये था कि शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ते पढ़ाते समय, आपने देखा होगा, ये हमने पढ़ा भी था कि लोकगीत हैं किसी समुदाय के या उस स्थानीय भाषा में, लोक कहानियाँ, पहेलियाँ, उनका इतिहास, उनसे जुड़े खेल, ऐसी चीज़ों का उपयोग अगर हम पढ़ने पढ़ाने में करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको शिक्षा में बहुत मदद मिलती है। इसीलिए आजकल क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने पर प्रबल जोर दिया जाता है। आप भी जानते हैं, आप आज NIOS DLET के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कई तरह की भाषाएं में आप इसे दे सकते हैं, तो भाषा को इसलिए महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो सभी को इक्वलिटी से ट्रीट करना, सभी धर्म, सभी संस्कृति के लोगों को, और ये इसमें बात करता है। तो समुदाय में जो भी चीज़ें हैं इसलिए विद्यार्थियों से ये जुड़ती हैं कि बच्चे की जो सांस्कृतिक विकास है उसमें समुदाय हमारे हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि स्थानीय संस्कृति को बच्चा सूक्ष्मता से देखता है। अगर इसको अध्ययन करें हम तो कई तरह के सीखने से संबंधित क्षेत्र आपको इसमें मिल जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि आसपास के समुदाय में, उनकी संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, जिनसे जोड़कर हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, और वो चूँकि चूँकि उनसे जुड़े हुए हैं, वो उसको ग्रहण भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनका स्थानीय इतिहास, लोक परंपराएं, उनका कला, उनका शिल्प, ये सभी शैक्षिक संभावनाओं से भरे हुए हैं, यानी कि इसमें सभी में उनको शिक्षा से जोड़कर सिखाने की ताकत है और अवसर उपलब्ध हैं, जिससे कि उनका सीखना मज़ेदार हो जाता है। तो हम सब्जेक्ट्स को जोड़कर उनकी संस्कृति, उनकी कलाओं से, उनके कला और शिल्प से जोड़कर पढ़ाएंगे, तो ये जोड़ा जा सकता है और ऐसा किया भी जा रहा है, और इससे सीखने में बहुत मदद मिलती है। अगला है जनजातीय सामाजिक जीवन और गांव से उदाहरण। तो देखिए, जनजातीय जो समुदाय हैं, ऐसे कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन उनका कुछ अलग तरह से रहता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि जनजातीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में ये जो माहौल का वृक्ष होता है, माहौल का एक वृक्ष है, उससे को बहुत महत्व दिया गया है। बच्चों के जीवन के कई क्षेत्रों से इसको जोड़कर हम पढ़ाने से संबंधित चीज़ों को सिखा सकते हैं, यानी कि कई पढ़ाने से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम उनके इस खास चीज़ से जोड़कर सिखा सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि यह वृक्ष जो है वो फल सब्जियों के रूप में उपयोग होता है, और यहाँ पर इसे पकाया भी जाता है, इसको खाया भी जाता है, इसका तेल भी निकाल कर उपयोग किया जाता है, और मक्के के खेत में इसको प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। सर्दियों में पशुओं की औषधि बन जाता है, इसको जलाया भी जाता है, और गर्दन की सूजन मिटाने के लिए इसका उपयोग होता है, और पानी के उद्देश्य के रत ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग करता है, और इसका तना जो है वो किसी और अन्य कार्य में, जलावन में उपयोग होता है। और बेसिकली ये कहने का मतलब है कि ये जो माहौल का वृक्ष है वो संपूर्ण एक ग्रामीण व्यवस्था है, उसको काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ में इसका उपयोग आपको देखने मिलेगा। और जनजातियों के लिए ये कमाने का साधन भी होता है, आमदनी भी वो इससे कर सकते हैं, और कई परिवारों के पास 40-40 से ज़्यादा माहौल के वृक्ष होते हैं, जिसके फल, फूल और तना और जिनके अन्य भागों का उपयोग करके वो दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, उससे कमाई भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ाव है इस चीज़ से इन जनजाति के लोगों का। तो गांव में जो वृक्ष का संदर्भ है, इसके संबंध में लोकगीत होते हैं, कहानियाँ होती हैं, और बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट मतलब बताया गया है। तो इन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से ये चीज़ इफेक्टेड है, उनकी मांगलिक कार्य हो, उनके परिवार हो, उनका खान पान हो, उनकी जीविका हो, उसमें सब में ये माहौल का वृक्ष की मान्यता बहुत ज़्यादा है। देवी देवता तक मानकर इसको पूजा की जाती है। तो उन्होंने कहा है कि हर गांव का एक इतिहास होता है, कुछ मान्यताएं होती हैं, और बच्चे जिन्हें पहले से जुड़े होते हैं, उनसे करीबी तौर पर जुड़े हैं शुरू से, तो अगर उन चीज़ों से जोड़कर हम शिक्षा देंगे, किसी तरह से जोड़ पाएँ, तो वो एक तरह से उनको जुड़ाव पैदा करती है कि उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं, उनकी चीज़ों को अहमियत दी जा रही है, और वो सीखने में भी बड़ा मज़ा लेते हैं और सीख पाते हैं।
आगे यही चीज़ बताई गई है, त्यौहार और संस्कृति का पहलू, ये भी समुदाय से पूरा जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो देखिए, त्यौहार और संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, आज हमारे देश में इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इतने सारे धर्म जाति के लोग हैं, 12 महीने ही हम त्यौहार मनाते हैं। अब इसमें यही सब बताया गया है, इस पैराग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंपल चीज़ें हैं कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के त्यौहार होते हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, बसंत पंचमी, और हर चीज़ से कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो हर त्यौहार किसी न किसी खास चीज़ को सिखाता है, खास चीज़ की तरफ इशारा करता है। और अपने अपने यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि हम नवरात्रि में क्या करते हैं, हम दिवाली पर क्या करते हैं, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिकली इनको बताने का मतलब ये है इनको कि यहाँ पर जो त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है देखिए कि उपयुक्त सभी त्यौहार आनंद, प्रसन्नता और प्रत्येक की खुशी के बारे में हैं। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हम ये सीखते हैं इन त्यौहारों के ज़रिए कि किस तरह से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के त्यौहारों का और एक दूसरे की चीज़ों का आदर करें, और एक पॉजिटिव मनोवृत्ति विकसित करें एक दूसरे के लिए सकारात्मक। और किसी त्यौहार के उद्देश्य कई तरह के होते हैं, जैसे मनोरंजन करना, समाजीकरण, शिक्षा, तो ये सभी आप सम्मिलित कर सकते हैं। यानी कि इन त्यौहारों के माध्यम से आप ना केवल अपना मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक जो दूरियां हैं वो मिटा सकते हैं, और शिक्षा को जोड़कर इससे काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। आजकल ऐसे पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं जो त्यौहारों से जोड़कर सिखाई जाती हैं, तो ये भी एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। और समुदाय, जिस समुदाय से आप हैं उस समुदाय के हिसाब से आप अपने त्यौहार मनाते हैं, और इसी वजह से ये जो समाज समुदाय का प्रभाव है इस कंसर्न में वो भी पड़ता है, क्योंकि जिस समुदाय के आप होंगे उसी तरह के त्यौहार, उसी तरह की मान्यताएं, उसी तरह की शिक्षाएं आपको मिलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है। आगे बताया गया कि एक लोक खेल के बारे में बताया गया है, एक लोक खेल जो कि लड़कियों के द्वारा, जनजातीय लड़कियाँ होती हैं उनके द्वारा खेला जाता है, ये पारंपरिक खेल है। इसके दौरान उनको क्या किया जाता है कि मछलियाँ और विभिन्न धान के नाम सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मछलियों के नाम के साथ साथ वो धान के नाम भी सीखती हैं। अब इसका उद्देश्य यह है कि कौन से मौसम में, किस महीने में कौन सा धान पैदा होता है, और जो लड़कियां हैं वो मछुआरे और ग्राहक की भूमिका कर सकती हैं इसमें। तो धान और मछली को तौलने की इकाइयां सीखती हैं, और धान और मछली के बारे में काफ़ी सीखती हैं। तो इन जनजातियों के लोगों से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको सीखने में उनसे मदद मिलती है, जो उनको काम देता है। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, बातचीत की जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लोक खेल है जो उपयोग हो रहा है सिखाने के लिए, शिक्षा के लिए, तो ये अपना उनका तरीका है। लेकिन अगर शिक्षक चाहें तो शिक्षक के रूप में भी आप किसी भी समुदाय की संस्कृति की अगर समझ कर लें, तो उसके माध्यम से समुदाय में जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति के पहलू हैं उनका अन्वेषण कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं शिक्षा से। और जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो आदतें हैं, जो संस्कृति में जुड़ी हुई हैं, उनको समझकर आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और जो पूर्व की अवधारणाएं हैं, जो उनकी मिथक हैं, उनको टाल सकते हैं, और बेहतर ज्ञान और कौशल से उसको जोड़कर उन्हें सिखा सकते हैं। तो विद्यालय की गतिविधियों में और विभिन्न पहलुओं में जो स्थानीय संस्कृति है उसमें शामिल, उसमें जो सीखने वाले की जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं किसी बच्चे की संस्कृति से जुड़ी हुई, तो वो सांस्कृतिक विकास में जो विद्यालय और समुदाय है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो समुदाय के माध्यम से ही हमें मिल रहा है, विद्यालय के माध्यम से मिल रहा है। और विद्यालय में अगर उसको प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा, हर संस्कृति, हर धर्म को, हर मान्यता को, और समुदाय के द्वारा भी उसको सही ढंग से सिखाया जाएगा, तो ये बच्चों के सीखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है। तो सांस्कृतिक पहचान काफ़ी कुछ सिखाती है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षण अधिगम और समुदाय संबंधों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझाना। यहाँ पर देखिए कोशिश की जाती है कि गांव से विभिन्न प्रकार की जानकारी ली जाए, डाटा लिया जाए, विद्यार्थी अपने नियमित विज्ञान के पाठों को, जो पौधे और जानवरों का अध्ययन करने के लिए हैं, पास के जंगलों में आप ले जा सकते हैं। स्थानीय ग्रामीण, उनकी ग्रामीण जो लोग होते हैं, गांव के लोग, वो उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को सिखाने में, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ ये चीज़ें होती हैं। तो दैनिक जीवन से जुड़कर जो ग्रामीण लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो काफ़ी जुड़ सकते हैं।
उनकी नृत्य कला, उनके संगीत, उनकी संस्कृति में आप मेले मेले का जो आयोजन किया जाता है, तो आप माता पिता को उनको उसमें मिल सकते हैं, शिक्षकों को शिक्षक आमंत्रित हो सकते हैं, सभी लोग एक जगह होकर काफ़ी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बेसिकली समुदाय के संग शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें इस तरह से कनेक्ट हो सकती हैं। तो समुदाय अपने जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनको बुला सकता है, जो कि परंपराओं, रीति रिवाजों और सभी चीज़ों को बच्चों को सिखा सकते हैं और ऐतिहासिक रूप में उनको चीज़ें समझा सकते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं वो समुदाय का दौरा करें, गांव के जो इतिहास हैं, उनकी वन संपत्ति है, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, समुदाय के सदस्यों की मदद से बच्चे उनको सीखने का प्रयास करें, यानी कि जो समुदाय में जो लोग हैं जिनके बीच वो रहता है उनसे जुड़कर सीखें, चीज़ें सीखने का प्रयास करें। और जो भी जीवन चक्र चल रहे हैं उसको पाठ्यक्रम से संगठित करना, ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनका उसका आम जीवन है, उसकी समुदाय में जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह से सिलेबस से जोड़ा जाए। और लोक कहानियाँ, उनकी लोक गीत, खेल, सभी चीज़ों को एक लिस्ट बनाकर उनको बच्चों को उसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे उनको बहुत मदद मिलती है। तो देसी ज्ञान, हर तरह की आदत, उनके जो कौशल हैं उसके लिए पूरी सहायता समुदाय प्रदान करे, तो इससे काफ़ी प्रभाव, जो सांस्कृतिक प्रभाव है या शिक्षा का प्रभाव है, वो उन पर पड़ सकता है। तो देसी ज्ञान पारंपरिक रूप से आवश्यक और प्रतिबंधित नहीं करता हमको, तो नए ज्ञान को समझने के लिए हमें देसी जो हमारा ज्ञान है वो ज़रूरी है बताना। तो समुदाय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है संस्कृति के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं मानव जाति और समुदाय को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कहानियाँ, लोक मान्यताएँ, आदतें और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसमें समुदाय का प्रभाव रहता है। तो समुदाय उन सांस्कृतिक चीज़ों को प्रभावित करते हुए उसे शिक्षा से जोड़े और शिक्षा के लिए और शिक्षकों के लिए एक वो प्लेटफॉर्म बने, एक तरीका बने जिससे कि उन्हें सीखने सिखाने में मदद मिले। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये टॉपिक इसी चीज़ के बारे में था कि किस तरह से सांस्कृतिक चीज़ें, आपके त्यौहार, आपकी संस्कृति यहाँ पर समुदाय से प्रभावित होती है, और चूंकि समुदाय से संस्कृति प्रभावित होती है और संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो किस तरह से ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ने से और एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, बस इस लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं और आगे टॉपिक अगला कवर करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। यहाँ पर लेक्चर सीरीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ वगैरह सभी देखने मिलेंगी आपको, अगर नए हैं तो। और घंटी के आइकन को सभी ज़रूर दबा लीजिएगा, जो पहले के लोग भी हैं, जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ पहुँचती रहें लेक्चर्स वगैरह की। और अनअकैडमी पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ चला रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की है। तो सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर एडी एजुकेशन को यूट्यूब पर, और अनअकैडमी पर भी जाकर हमसे ज़रूर जुड़िए, फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।